Assalamu alaikum and welcome to Sprite Presents Idea Croron Ka Season 3. 220 million hum log hain. Kareeban 140 million ke paas mobile phone hai. Usme se kareeban 70 million aise log hain jinke paas smartphone hai. Purchasing power parity yani ke ek basket of goods jo khareed sakta hai ek Pakistani agar aap usme hisab se dekhen to hum 25th number pe aate hain puri duniya mein in terms of the purchasing power parity of Pakistanis. ये स्टैट्स मैंने आपको क्यों दिए? जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट छोटी है वो गलत कहते हैं. हमारा नंबर बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, और इस शो के थ्रू जो हमने किया है हमने उन सब पाकिस्तानियों को शोकेस किया है जो पाकिस्तान में कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. मैं आज का शो जो शुरू करना चाह रहा हूँ उसको मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि हमारा कंसिस्टेंटली पूरे सीज़न में ये गोल रहा कि हम हर लड़का लड़की बंदा बंदी जो कि कोई भी काम करना चाह रहा है सोशल और इकोनॉमिक चेंज क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान में, हम उसको प्रमोट करेंगे और हम उसे प्रमोट करते रहेंगे. आज के शो को शुरू करने से पहले मैं अपने पैनल से आपको मिलवाऊंगा. मेरे पहले इन्वेस्टर, मेरे पुराने दोस्त, जमींदार कैपिटल के सीईओ, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रहे हुए हैं, एक्मिन फंड के सीईओ रहे हुए हैं नईम जमींदार. आई एम सो हैप्पी टू हैव हिम ऑन बोर्ड. हमारी दूसरी जो आज पैनलिस्ट हैं वो बारबरा येल हैं, ये डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन है USSMEA के. हमारे तीसरे इन्वेस्टर, ट्रीट के डायरेक्टर और एक ऐसा बंदा जिसको स्टार्टअप कम्युनिटी बहुत पसंद करती है और इन्होंने 12 स्टार्टअप इन्वेस्ट किया है, वो शहरयार अली हैं. और आज के आखिरी हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो अगेन USAID SMEA को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फरूख हैं, ये चीफ ऑफ मिशन है. आइए जी अपने शो का बाकायदा आगाज करते हैं आज की पहली पिच के साथ. एक कंपनी जो कि इसका नाम डाउन टाउन बिस्ट्रो है, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात कंपनी का नाम नहीं है बल्कि फाउंडर है. द फाउंडर हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम द ट्राइबल एरिया, पाटा से आए हैं. इनकी कहानी देखते हैं उसके बाद इनकी पिच सुनते हैं. अस्सलाम वालेकुम, आई एम साद महसूद. आई बिलोंग टू साउथ वजीरिस्तान, पाटा बेसिकली. एंड फॉर वन ऑफ माई स्टार्टअप दैट इज डाउन टाउन बिस्ट्रो, इट वॉज स्टार्टेड अबाउट 2.5 ईयर्स अगो इन पेशावर. आई वॉज मोटिवेटेड फॉर स्टार्टिंग दिस बाय अ रिसर्च दैट आई हैड कंडक्टेड in my university, the Institute of Management Sciences, Peshawar. And that was the place that taught us ke we have to be employers rather than being employees. Today, alhamdulillah, it's a success and it is employing about 17 people, including me, and it is going to expand to Islamabad very shortly. ICK is a tremendous platform for the blooming entrepreneurs in our country, because entrepreneurship is the future, and ICK is doing a great job by motivating the potential entrepreneurs of our country. Haan ji, saad ko bulate hain aur unki pitch hai. To saad. Ji sir. Tell me. स्टार्टअप का आप कर रहे हैं पेशावर में, आए आप लाहौर हैं, बैकग्राउंड आपकी पीछे से है, फाटा से है. जी सर. व्हाट मेड यू थिंक ऑफ रेस्टोरेंट एंड सारा कुछ कैसे? सर, दिस ऑल स्टार्टेड बैक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट. जब मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर में स्टूडेंट था, तो वहाँ पे ड्यूरिंग माई एजुकेशन मैंने एक रिसर्च कंडक्ट की थी विच वॉज बेस्ड ऑन द फास्ट फूड इंडस्ट्री, प्राइमरली फोकसिंग ऑन द फास्ट फूड इंडस्ट्री ऑफ पेशावर. उसमें मुझे आई केम अप विद सम ओवरवेलमिंग फैक्ट्स, जिसकी वजह से मुझे मेरा इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट और भी बढ़ा. द मार्केट कंसिस्टेड ऑफ 180 मिलियन कंज्यूमर्स इन द एंटायर कंट्री. द ग्रोथ रेट वॉज 21% पर ईयर, एंड एन एवरेज पाकिस्तानी वॉज स्पेंडिंग 42% ऑफ हिज एंटायर इनकम ऑन फूड, बिकॉज फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ एंड वी ऑल अर्न for making up our basic necessities. So this interested me a lot. Aur uske baad, research ke baad, I wanted to do a business, because hamare institute mein hame we were taught ke we have to be employers rather than being employees. So I went for a job for a month or two, but I didn't like it. So I started with my own business by the name of Downtown Bistro. But we obviously had certain challenges, certain problems that we had, certain hurdles that we had to cover up to make it to the success.
The first one was that there are hundreds of brands that are competing in the market currently, presently. Why us? Why we? The second one was that the market penetration and making your own space, making your own एक प्रेजेंटेशन एक अपनी जगह बनाना उस मार्केट में इतनी टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक बहुत मुश्किल काम था. वी डिड नॉट जस्ट मेक फूड बिजनेस, वी मेड अ थीम्ड कैफे. इट वॉज बेस्ड ऑन अ रेट्रो पॉप आर्ट थीम जो कि 1980s और 90s के एरा को रिप्रेजेंट करती थी. एंड देयर वर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द बिस्ट्रो दैट वी मेड. First one was कि लाइक हमारी जो पैकेजिंग थी, वी वॉन्टेड इट टू बी सो क्रिएटिव कि अगर कोई कस्टमर एक बार उस पैकेजिंग को देख ले तो वो उस ब्रांड को या उस पैकेजिंग को भूल ना सके. द पर्पज वी आर ओवर हेयर फॉर इज कि हमने वी स्टार्टेड दिस बिजनेस इन पिशावर. इट वेंट वेरी गुड फॉर द पास्ट 2.5 ईयर्स. इट इज एम्प्लॉइंग अबाउट 16 to 17 पीपल एज ऑफ टूडे. और we are now planning to expand it to Islamabad. Uske liye we need 8 million for the funds. 80 lakh ji, 8 million for the funds plus some mentorship from maybe very experienced people like we have in the panel. Among the 8 million jo ke hame chahiye, usme se 4 million humne already khud hi arrange kiye hue hain. Aur जो हमें इस पैनल से चाहिए या इस शो से, आपके इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म से जो हमें चाहिए, वो दैट वुड बी 4 मिलियन. इस 4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो हम आपसे मांगना चाह रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम आपको ऑफर कर सकते हैं एक फ्रेंचाइज जो कि आपकी प्रेफरेंस वाली सिटी, दैट कैन बी लाहौर, दैट कैन बी कराची, उसकी फ्रेंचाइज का लाइसेंस आपके पास होगा. जब भी आप उसको ऑपरेट करना चाहो, वी वुड बी देयर टू मेक इट फंक्शनल. हम उसको पूरा का पूरा चला के आपको देंगे ए टू जेड विद टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम मार्केटिंग टिल कंडक्टिंग द सेल्स. रेवेन्यू कितनी है आपकी फ्रॉम योर, लेट्स से योर लास्ट मंथ इन पेशावर? जी, व्हाट इज योर रेवेन्यू बॉटम लाइन आपकी? द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो इस बिजनेस का पूरा पर एनम है, दैट इज 28%. द करंट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज 14 मिलियन, 140 लाख. और जो इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 28%, 4 मिलियन इसका पर एनम रिटर्न है. मंथली कोई 3.5 लाख बनते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर फूड एंड how do you see this playing out in the long run if you want to stay in this business? You are absolutely right quoting this. Sirf packaging ya sirf aapka taste, sirf ek cheez aapko success ki taraf nahi leke ja sakti. Packaging was a part of this. Baki the product development ek extensive process se guzra hai. The product development is made from the scratch, khud hi kiya gaya hai A to Z. Aur usme customer ka input sabse zyada liya gaya hai. Extensive campaigns run ki gayi hain jisme apne customers ko bar bar bola gaya hai ki make your products tailor made products ka word hum usko iske liye use karte hain ki make your products suit best for you. Aap usko kaise chahte hain, kaise aap usko change karna chahte hain. Surveys hue, research hue. Even jab humne isko operate karna shuru kiya tab bhi hum 2 saal tak logon se bar bar unki opinion aur unke mashware lete rehte the कि हम आपके प्रोडक्ट्स या आपके बिस्ट्रो को आपके लिए और किस तरह मजीद बेहतर कर सकते हैं. स्पीकिंग अबाउट इस्लामाबाद, आई मीन यू चोज टू एक्सपैंड इनटू अ न्यू सिटी रादर देन एक्सपैंडिंग विद इन पेशावर, जहाँ पे आपकी ब्रांड रिकग्निशन भी इस्लामाबाद से ज़्यादा होगी. उसकी क्या वजह? सर, उसकी जो सबसे प्राइम वजह है वो ये थी कि the brand is in developing stages. जब हमने इसको 2 साल 6 महीने पहले पेशावर में स्टार्ट किया था, वो एक पायलट प्रोजेक्ट था. वो एक पायलट प्रोजेक्ट था, हमने सिर्फ वहाँ पे अपनी मार्केटिंग स्किल्स चेक करनी थी कि कैन वी मार्केट दिस, बिकॉज द फेलियर रेट इन दिस इंडस्ट्री इज 90% और सक्सेस रेट जो है इट्स ऑनली 10%, बहुत छोटा सा है. तो उसमें दैट वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट. वी वॉन्टेड टू चेक आर स्किल्स, वी वॉन्टेड टू चेक आर बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट सक्सेस विद दैट. और फिर अभी इस्लामाबाद मूव करने की जो वजह है वो ये है कि कैन वी कम्पीट इन द फेडरल कैपिटल, कैन वी कम्पीट विद बेटर ब्रांड्स जो कि पेशावर से ज़्यादा अच्छे मार्केट में हो, जो कि पेशावर के मार्केट में कॉम्पिटिटर्स जो लगे हमारे साथ कॉम्पिटिशन में हैं उनसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो, उनसे ज़्यादा लर्नड हो, तो क्या हम उनसे भी कुछ बेहतर कर सकते हैं उसको देखने के लिए. और बल्कि इनफैक्ट आई वुड से कि वी हैव टेकन इट एज अ चैलेंज. जी बिल्कुल, इस्लामाबाद जो है रिलेटिवली सोफिस्टिकेटेड मार्केट है, मोर कॉस्मोपॉलिटन भी है. यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं
उसमें दूसरी दुनिया से लोग भी दूसरे मुल्क ममालिक से आए हुए लोग भी हैं. Yes, sir. So do you feel up to the challenge? Obviously, we are up to the challenge. That's why we are working on our spot in Islamabad, and that's why we are here in this show. Idea तो बहुत अच्छा है और माशाल्लाह आपने successful model बना लिया है. Scale करने की बात आ रही है और market testing करनी है other markets. But आप अगर investor चाहिए तो आपको equity देनी पड़ेगी main company के अंदर. उसके अलावा investor नहीं आएगा. इन्वेस्टर नहीं आएगा. हाँ, इन्वेस्टर उसको तो रिटर्न चाहिए ना. हाँ, आपकी कंपनी में इसका हिस्सा होएगा, फिर कोई बात बनती है. तो फिर तो हमें फरुख और बाबर को देखना पड़ेगा. जी, हैव एनी क्वेश्चंस? या सो I know we've asked about you're branching out into Islamabad. That's your first branch. But what was the business reason behind choosing Islamabad over Rawalpindi, over Lahore, over a different market? Why Islamabad? The prime business reason behind selecting Islamabad for the second expansion was creating the brand image, the branding part of our business. It needed to be in a highly competitive and in a better market than Peshawar. Obviously, Peshawar is a great market. Wherever we stand today is because of Peshawar and the people of Peshawar. They have supported us a lot, but we wanted a better market, a very competitive market, to fine-tune our brand, to be able to compete the international chains maybe. So that is one of the reasons that we chose Islamabad over Rawalpindi, over Peshawar, or some other cities that are nearby in the Khyber Pakhtunkhwa province. Good sales man. जी, अब तो मैं आपकी तरह देखूंगा. Investors ने तो कह दिया है कि equity के बगैर हम नहीं play करते इसमें. जी, बिल्कुल. आपकी खुशकिस्मती ये है कि USA small and medium enterprise activity is not an investor. We are in the market to take care of some of the risks that entrepreneurs like you are facing. Thank you, sir. मगर उसमें मसला ये है कि हम आपको mentorship भी provide कर सकते हैं, services that you are looking for. मगर हमारी जो cap है इसमें, इस grant में, वो 26 लाख के ऊपर है. तो मैं आपको 26 लाख रुपए ऑफर कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रांट, और उसके अलावा जो सर्विस हम दे सकेंगे इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग योर बिजनेस वो भी हाजिर है. तो आप 26 लाख ग्रांट मनी दे रहे हैं, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नो इक्विटी. जी बिल्कुल. इनकी जो ऑफर थी इनकी फ्रेंचाइज की, आई विश आई कुड टेक दैट. अच्छा, वो भी ले सकते हैं आप. चलो, अब रह गए 14 लाख रुपए, वो इकट्ठे कर लेना कहीं से. तो चलो ठीक है, फैंटास्टिक, ग्रेट यार, जबरदस्त. थैंक यू सो मच सर, कांग्रेचुलेशंस. आपने देखा जी कि एक ऐसी कंपनी जिसने कहा कि मैं इक्विटी नहीं दूंगी, जब आप इक्विटी नहीं देते हैं तो उसमें एक चीज़ ये हो जाती है कि इन्वेस्टर का जो उसमें मीट होता है वो वैसे कम हो जाता, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है. बिकॉज इक्विटी प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इन्वेस्टर को स्किल इन द गेम चाहिए टू बी एबल टू हेल्प यू एंड टेक योर गेम फॉरवर्ड. ये चीज़ सीखी. दूसरी चीज़ ये है कि लकीली वी हैड द USAID SME टीम विद अस. They wanted to support this. They are supporting Pakistan in many, many ways. Aapne dekha ek entrepreneur ko support mil gayi. And I'm hoping, inshallah, we'll come to your restaurant in Islamabad. Inshallah, sir. Show ko dekhte rahe, choti si break le rahe, uske baad wapas aate hain. Sprite presents Idea Croron Ka Season 3. Kitni khawateen aapke sath kaam kar rahi hain? Jo hamari team hai logon ki, there are around 10 people. And jin logon ko hum manage karte hain, there are around 1,70,000. Welcome back to Sprite Presents Idea Croron Ka Season 3. Nazreen, Himmat Karo Pakistan is a segment jo humne collaborate kiya usme Facebook ke saath. Facebook ek program run karti hai jisme wo dhoondte hain leaders communities ke. Unhone hamare saath milke aisi kahaniyan dhoondi Pakistan mein jisko humne saath co-brand kiya, aur hum aapke liye wo acche log, wo log jo social aur economic impact create kar rahe hain Pakistan mein, hum unko aapke paas yahan laate hain. Saba is one such person.
जो कि एक फेसबुक ग्रुप से शुरू हुई लेकिन अब एक फिनोमेना बन गया है. द इनिशिएटिव शी रन्स इज कराची शेफ्स एट होम. फर्स्ट वी लुक एट हर स्टोरी, उसके बाद मैं उनको यहाँ स्टेज पर बुलाऊंगा. मेरा नाम सबा मोहसिन शेख है और मैं एक फेसबुक ग्रुप रन करती हूँ जिसका नाम कराची शेफ्स एट होम है. हमारे ग्रुप पे 170,000 से ज़्यादा औरतें हैं जो रोज़ के बेसिस पे खाने की बातें करती हैं और अपनी घर की बेहतरीन रेसिपीज शेयर करती हैं. हमने 3 वॉल्यूम्स भी प्रिंट किए हैं अपनी बेहतरीन रेसिपीज़ के. हमारा हर साल एक इवेंट होता है जो हम पिछले 2 साल से कराची में करते हैं. 600 से ज़्यादा औरतें इस इवेंट को अटेंड करती हैं. हम पहले एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट करते हैं जिसके अंदर हम अपने शेफ से जो हमारे ग्रुप पे लेडीज़ हैं उनसे उनकी बेहतरीन रेसिपीज पोस्ट करने का कहते हैं. उसके बाद 3 सिलेक्टेड विनर्स को हम ऑन ग्राउंड जो है लाइव कुकिंग कराते हैं और हमारे पास सेलिब्रिटी शेफ्स होते हैं जैसे शेफ जरनाक, नाहिद आपा, और उनसे हम जजिंग कराते हैं. और उसके बाद जो बेहतरीन जिसका सबसे अच्छी डिश होती है उसको हम शेफ़ ऑफ़ द ईयर का अवार्ड देते हैं. मुझे आइडिया करोड़ों के प्लेटफॉर्म का पता चला फेसबुक के थ्रू ही और मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं जिनको आइडिया करोड़ों का हाईलाइट कर रहा है. हाँ जी, सबा को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं. सब आप वी सॉ द स्टोरी, वेरी इंप्रेसिव. शुरू कहाँ से हुआ था ये चीज़ एंड आइडिया कहाँ से आया एंड देन इसे कैसे एक्सपैंड किया ओवर द इयर्स? सी बेसिक जो मैंने आइडिया अपना शुरू किया था वो ऐसे था कि मैं यूके गई थी पढ़ने के लिए एंड सिंस यू कांट फाइंड अ लॉट ऑफ होम मील्स देयर, यू ऑब्वियसली फाइंड हलाल फूड देयर मगर आपको घर का खाना नहीं मिलता वहाँ पर. तो मैंने रेसिपीज ट्राई करना शुरू की, कुछ ऑनलाइन ली, कुछ अम्मी को फ़ोन करके ली एंड बनता गया खाना. अच्छा बनता था तो ऑब्वियसली यू हैव दिस स्पार्क, यू हैव मेड समथिंग नाइस, लेट्स टेक अ पिक्चर एंड पोस्ट इट ऑन फेसबुक. सो वन ऑफ माई फ्रेंड गेव मी एन आइडिया कि यू नो मेक अ ग्रुप वेर वी कैन ऐड मोर पीपल और उन लोगों से जो मतलब वो लोग भी अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं एंड वी कैन लर्न मोर. तो उस वजह से जो है ये ग्रुप मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था सिर्फ दोस्तों के लिए, दोस्तों के दोस्तों के लिए. और हमने 4.5 साल पहले ही स्टार्ट किया था और अब बढ़ते बढ़ते वी आर एट 170,000 पीपल एंड वी पोस्ट अराउंड 60,000 रेसिपीज पर ईयर एंड वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन. इट्स अ वेरी एक्टिव ग्रुप और अगर आप कभी हम बिकॉज यू हैव अ पोस्ट अप्रूवल सिस्टम ऑन फेसबुक के ग्रुप तो जब आप पोस्ट अप्रूव करने बैठे तो हाफ ऑफ द टाइम यू आर ऑलवेज हंग्री कि इतनी अच्छी रेसिपीज आ रही होती दैट यू जस्ट थिंकिंग कि क्या बनाएं क्या छोड़ें. You heard what they've done and just your comments on it and any questions that you may have because now I guess it's a business. Ab aap isko, are you making revenue out of this or it's just something that's totally free right now? No, we do make revenues which we try to invest back into the group in terms of events and in terms of publishing the books. Humne 3 volumes print kiye hain ab tak. Achha. Volume 1, 2 and 3 jo hamare best So you're making money off events and books and all these things, recipe books I assume. Ji. सो हमारी 1 and 2 वॉल्यूम जो है उनकी हम 10,000 कॉपीज सोल्ड कर चुके हैं. 10,000 कॉपीज या और वॉल्यूम 3 की हम 8,000 अब तक सेल कर चुके हैं. सो दे आर गोइंग गुड. नहीं, यू नीड टू बाय समथिंग. या यू शुड मस्ट. आई होप यू डू वेजिटेरियन फूड एज वेल. यस, वॉल्यूम 3 इज ऑल अबाउट वेजिटेरियन. ओह, दैट्स वॉल्यूम 3 इज यू. वाह, I actually got books for you guys, they're there, so I'll hand them out. Okay, so wonderful, we should definitely get those books. And Naeem will only be interested in 3 because he's a vegetarian, hardcore vegetarian. Any comments, any questions? सबक कितनी खवातीन आपके साथ काम कर रही हैं? जो हमारी टीम है लोगों की देर अराउंड 10 पीपल एंड जिन लोगों को हम मैनेज करते हैं देर अराउंड 1,70,000. आपका जो बिजनेस है ये सोशल इम्पैक्ट है, इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव तो नहीं है कोई? Not a lot of profit in it, more of a social impact. Social impact. So, आपका मकसद क्या है? आपका intention आप क्या create करना चाह रहे? See, when I started the group, there was no intention behind it. Now, my intention behind is that I have you know seen women come up to me and thank me for creating the platform.
They thanked me that their family started recognizing their efforts, and they also thanked me ke hum jo hai bahut zyada apne aap ko feel karte hain ki hum baaki ab kuch hain. So that thank you note that they tell me in person is my, you know, motivation to start working. Sahi. And to, you know, it's not something ki aap har kaam sirf isliye kar rahe hain that you're making something out of it. You do certain things jo aapko ek andar se khushi dete hain. So mere liye ye kaam is more of that. Zabardast. Fantastic. So I have something. Yeah. If you, would you want to go out there and give it to them? Yeah, I'll definitely go that ahead. That should make good TV. So maybe one's for me then, I believe. Yeah. Yeah, so one, I'll keep one. Okay. Mujhe volume 3 nahi chahiye waise. Mujhe volume 3 chahiye. Main bilkul vegetarian nahi. Nahi, there are other things too. There are a lot of meat recipes inside it. And yeah, okay, there are also Hyderabadi recipes which are very famous in Karachi, by the way. Zabardast. So you can try them. I get volume 3? Yeah, this is volume 3. Perfect. I would have given volume 1 and 2 out as well, but they are completely sold out. I don't even have a copy saved for myself. Thank you very much. Thank you. Great. Hope you guys enjoy these. Very nice. So this is fantastic. Books bhi de diye aapne. But there's something that Facebook wants to give you. They can't be physically here, so they've given me the responsibility of giving you this small token of appreciation, which looks really big, but it's small. But yeah, it shows ke how much we all feel that you're doing a fantastic job. So I'll just call you here and then we'll give you something jo Facebook ki taraf se hai, and I have to sign it. नाज़रीन आपने देखा सेगमेंट हमारे दिस इज़ बैक्ड बाय फेसबुक एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टोरीज जो हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हम दिखा सकें कि हमारी कम्युनिटीज में कितना अच्छा काम हो रहा है शो को देखते रहें वील बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक ऑन स्प्राइट प्रेजेंट्स आइडिया क्रोरों का सीजन 3 वी आर लुकिंग फॉर ग्रांट फंडिंग एट दिस पॉइंट बिकॉज वी आर एट एन नेसेंट स्टेज जहाँ पे हम इक्विटी नहीं देना चाह रहे और हम ग्रांट के थ्रू इस मॉडल को प्रूव करके इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स इक्विटी राउंड ओपन करना चाह रहे हैं वेलकम बैक टू स्प्राइट प्रेजेंट्स आइडिया क्रोरों का सीजन 3 आज का हमारा दूसरा और आखिरी स्टार्टअप इसका नाम है एडकासा जिस स्पेस में काम कर रहे हैं वो एडटेक है बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं पहले उनकी कहानी दिखाऊंगा उसके बाद उनसे बात करेंगे मेरा नाम अनम सादिक है और मैं एडकासा की को फाउंडर हूँ एडकासा में हमारे लिए लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है हमारा मिशन है कि हम जो लड़कियाँ जो 9th ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक होती हैं उनको आला तालीम दें मेरा नाम फहद तनवीर है और मैं एडकासा का करंट सर्विंग सीईओ हूं एंड आई एम वन ऑफ द 3 को फाउंडर्स ऑफ दिस कंपनी मेरा नाम सुहेल है मैं एडकासा के साथ एज अ चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर काम करता हूं एज एन आइडिया जो हम चाहते थे कि जो तालीम का शोबा है इसके अंदर बहुत बड़े गैप्स हैं और हम कोई एक ऐसा गैप संभालें जिसको हम एक्चुअली कोई मानी खेज उसमें डिफरेंस डाल सकें फिलहाल बहुत सारे रुकावटें हैं लड़कियों की एजुकेशन के अंदर अक्सर स्कूल नहीं होते उनके इलाके में उनको इजाज़त नहीं मिलती तो एडकासा ये सारी आसानियाँ पैदा कर रहा है कि लड़कियों को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े उनको अपने घर से ही आला तालीम मिले ताकि वो एग्ज़ाम पास करें और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें एडकासा का विज़न काफ़ी बड़ा है हम पाकिस्तान को दुनिया में रिकगनाइज़ करवाना चाहते हैं एज़ एक इल्म का गहवारा हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि क्या टेक्नोलॉजी में ऐसी इनोवेशन है जो इस गैप को कवर कर सकती है और एक नुमाया जो जवाब था इस सवाल का वो था इंटरनेट अब हम कैसे इंटरनेट को और टीचिंग को कंबाइन कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो और पेरेंट्स अपनी ज़िंदगियों में अपनी जनरेशन में फ़र्क देखें अपनी फैमिली के अंदर फ़र्क देखें तालीम का एक फ़र्क नज़र आए एक आम आदमी के घर में तो उस काम को करने के लिए हमने अपना सिस्टम बनाया जो एडकासा इस्तेमाल करता है कोर प्रॉब्लम है हमारी एजुकेशन में वो है टीचर्स की नॉन अवेलेबिलिटी अच्छी क्वालिटी के टीचर्स जो हैं वो मिलना मुश्किल हैं आप लाहौर में भी चले जाएँ अगर मेन रोड पर भी चले जाएँ वहाँ पर आपकी जो स्कूल अकेडमीज़ हैं इवन दे स्ट्रगल कि उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिलते हैं हमारी जो पहली प्रोडक्ट है जिसको हम एजुपिनर कहते हैं उसमें हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि टीचर्स की अवेलेबिलिटी को हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए सॉल्व करें एजुपिनर जो नाम है ये दो लफ्ज़ों से बना हुआ है एक एजुकेशन है और दूसरा एंटरप्रेन्योर एजुपिनर
सो बेसिकली हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं जो अपनी स्कूल या एकेडमी खोलना चाहते हैं या ऑलरेडी रनिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको टीचर अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आता है, क्वालिटी टीचर्स नहीं मिलता है. सो हम टॉप टीचर्स अपने ऑफिस में लेके आते हैं, उनकी जो लाइव सेशंस होते हैं वो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू ब्रॉडकास्ट करते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे. आए जी एडकासा को बुलाते हैं उनकी पिच सुनते हैं. Assalamualaikum, मेरा नाम आनम है. आई एम वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ एडकासा और ये फहद तनवीर हैं, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द को फाउंडर्स. तो पाकिस्तान में फ़िलहाल 1.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो सेकेंडरी स्कूल नहीं जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं उनमें से 80 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पास नहीं कर रहे. अब आप खुद सोचें इन बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा जो 12वीं जमात पास नहीं है. आर्स इज़ अ नॉलेज बेस्ड इकानमी, हमें एक स्किल सेट की ज़रूरत है टू मूव ऑन. तो एडकासा इन बच्चों के नाकामी का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि उनके पास क्वालिटी टीचिंग अवेलेबल नहीं है, उनके पास टीचर्स नहीं हैं जो उनको एग्ज़ाम में प्रेपरेशन की हेल्प करें. तो एडकासा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है अपने एजुप्रेन्योर मॉडल के ज़रिए. हमारा एजुप्रेन्योर मॉडल बेसिकली ऐसा है कि हम कम्युनिटी में कोई भी ऐसा शख्स जो चाहे स्कूल ओनर हो सकता है, अकेडमी ओनर हो सकता है, या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो सिर्फ तालीम को अपने इलाके में लाना चाहता है, उसके साथ पार्टनर करते हैं. हम उनको प्रोवाइड करते हैं सारी ICT इक्विपमेंट जो उनको रिक्वायर्ड होगी टू कनेक्ट विद आवर स्ट्रीम, और साथ साथ हम उनको ट्रेन करते हैं कि कैसे वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस को स्टूडेंट तक शेयर कर सकते हैं. तो जब हम ये सब कुछ करते हैं तो उस इलाके में जहाँ पहले सेकेंडरी एजुकेशन मैसर नहीं थी या अच्छी तालीम का मैार नहीं था, वहाँ वो तालीम का मैार उठ जाता है, और साथ साथ हम उनकी मदद करते हैं कि वो लोगों को इसमें शामिल कर सकें. इससे उनकी आमदन भी क्रिएट होती है, एक एजुप्रनोर क्रिएट होता है जो एजुकेशन में एक नया वेंचर स्टार्ट करता है, और हमारे लिए भी थोड़ी सी आमदन एज अ कंपनी क्रिएट होती है. हम यहाँ 3 रीज़न से आए हैं. पहले तो ये है कि वी वांटेड टू गेट द वर्ड आउट, हम लोगों को बताना चाहते हैं जो आपकी ऑडियंस है कि वो हमारे साथ पार्टनर कर सकते हैं, एक एजुप्रनोर सेंटर खोल सकते हैं एडकासा का. दूसरी चीज़ ये है कि हम अभी पायलट कर रहे हैं, अभी हमने इस मॉडल को और फर्दर प्रूव करना है. हमने 25 सेंटर्स खोलने हैं. टू डेट वी वर्क विद अबाउट 1,000 स्टूडेंट्स एंड माशाल्लाह द फीडबैक वी गॉटन इज़ वेरी पॉजिटिव. एंड द थर्ड इज़ के we're looking for grant funding at this point because we're at a nascent stage jahan pe hum equity nahi dena cha rahe, aur hum grant ke through is model ko prove karke in the next 6 months equity round open karna cha rahe. This is a business program, you're right. Pitching a business idea, not necessarily a social platform. What is the business model behind it? What's yes. your break even? How many edupreneur centers do you need, and how many students do the edupreneur centers need to break their also breaking? Wonderful question. Yeah. Should I take that? Financials. Sure. All right. So basically the business model is a subscription-based business model. Mm-hmm. We provide live online streams of our classes on a regular basis, and we charge subscription fee much like Netflix or any other subscription service. But here the fun thing is that kids get to interact back with the teachers using our technology. So they can ask questions to the same teacher, but that teacher is available to multiple schools at the same time. So it's a one-to-many share model. So that's how we make money. आप इसमें कैसे आए? देखो ये बड़ा मुश्किल काम है और बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने का है. जी आप आपको क्यों इसमें इंटरेस्ट आया? मेरा बैकग्राउंड एज एन एजुकेशनिस्ट है. मैं आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दम्स इन 2011 और उसके बाद आई वर्कड with different organizations. I work with World Bank on a Punjab education sector reform program, aur wahan pe mujhe holistically pata chala ki kya kya challenges hain aur kya kya reforms hain, unke kya problems wagaira chal rahe hain. Uske baad I went on my Fulbright, and after I came back from Fulbright wahan pe kafi andaaza hua ki kis tarah ye edtech use ho raha hai, aur I worked with the Chelsea public school district wahan pe jahan pe ye cheez pilot ho rahi thi across 12 different schools. To uska experience I brought back, and Fahad was at Harvard at that time, he was doing a finance degree. So I said look, mera finance ka background nahi hai, I need somebody who understands how to create the business model and so on. And Sohail, who's our third co-founder, who Boston based hai, he's actually an expert in online teaching. His videos on YouTube, with a channel called Bastanji, has about hundreds and thousands of views. So the three of us sort of coincidentally got together and figured ke is area mein hame impact create karna hai, and we do see this being sustainable. Just listening to that and
what you're doing. It's a thing which is making you money as well, but you could have gone to work for any MNCs with your credentials. So it's amazing. So thank you for giving back to society. So I wanted to ask you, so this is basically an add-on to an existing system. This is not something which is replacing schools. That's correct. Or is it, or can you also, so a typical person who's going into metric or who's going into FA, it's really difficult for them to pay the fee for, for the school. So is this something which they can afford, and how much is it costing them? So your client is the center, right? That's not right. The students. So how much are you charging the center, and what do the centers charge the students, and is it, do you require any, because it's an online thing, would you require hardware or special software? Great question. What is the cost for that? So how much would it take for a parent to, to enroll their child in your in your tuition centers compared to a traditional school? This is a very good question. Iska jawab main mukhtasaran is tarah dunga ki bilkul sahi baat ki school ya academy ko ICT equipment ki zarurat hoti hai jo hamare shuru ke centers hain unko muft faraham ki ja rahi hai taaki wo isko start karne mein pareshani ke unko koi na ho bahut sare partners ki madad ke sath ye ICT equipment muft faraham kar rahe hain kuch shuru ke schoolon ko lekin ye taqreeban 50,000 रुपए का खर्चा होता है एक स्कूल को इक्विप करने का. ये ना मामूली है ना कोई बहुत बड़ा खर्चा है, लेकिन एक स्कूल को इससे इक्विपमेंट मैसर हो जाती है. दूसरी चीज़ जो है कि जो महाना फीस है, हम एक स्कूल से फॉर एग्जांपल एफएससी फर्स्ट ईयर को पढ़ाने के सिर्फ 10,000 रुपए महीना लेते हैं. ये एक टीचर की तनख्वाह से भी कम है, एक टीचर की तनख्वाह से भी कम है. और इसमें हम एफएससी की मुकम्मल तैयारी कराते हैं. तो एक स्कूल 10,000 रुपए में, जहां उसको 5 या 6 टीचर बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, अब पॉसिबल है. और ये बहुत हाई क्वालिटी टीचर हैं. हमारे सारे टीचर कम से कम एमफिल क्वालिफाइड हैं, और कुछ पीएचडी कैंडिडेट्स अपने फाइनल इयर्स में भी हैं. अगर हमें ये ग्रांट मिल जाएगा तो हमें कुछ एस्पेक्ट्स अपने हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी के टेस्ट करने हैं कि दूर दराज इलाकों में अगर हम ये एडकासा एंटरप्रेन्योर सेंटर्स खड़े करते हैं तो क्या ये चीज़ें उसी तरह चलेंगी जिस तरह किसी दरमियाने शहर के शाइस्ते में चलेंगी. जिस तरह अगर हम मुजफ़्फ़रगढ़ में एक सेंटर खोलते हैं और हम लाहौर से पढ़ाते हैं, तो क्या वो उसी तरह एक्सपीरियंस करेंगे? उसके लिए हमें कुछ वसाइल चाहिए उसको टेस्ट करने के लिए, और फिर हमें कुछ वसाइल चाहिए उन टीचरों की और उन लोगों की तनख्वाहों के लिए जो हमारे साथ शुरू के अमल में काम करेंगे. तो ये बस एक 6 महीने का फेज़ है जिसमें हम इसको टेस्ट कर सकते हैं. इसके बाद अगर ये मॉडल प्रूव हो जाता है तो फिर हम इन्वेस्टर्स, आप जैसे इन्वेस्टर्स के पास आएंगे एक प्रूवन मॉडल के साथ कि ये डिलीवर करता है, इसमें रेवेन्यू है, इसमें स्केलेबिलिटी है, और आप इसमें इन्वेस्ट करें और इसको पूरे पाकिस्तान में फैलाएं. Offers, no offers, whatever. Please. Offers to me, grants. Hai. Grants. Nobody has bigger budgets. This is your last few minutes of speaking. Yes, we do support small medium enterprises who have innovative ICT solutions. We are in a position where we can help, sort of the first phase or the seed funding so that you can get to the pilot phase and pilot it for larger investments. So yes, the USAID SMEA project would be happy to invest in your program at this time. We can offer 2.5 million rupees for you to start up and, initiate some of these entrepreneur centers, get your lessons learned, get your milestones and your M&E done so that you can then pitch it to perhaps larger audiences. नाज़रीन, आपने शो देखा आज का. दो स्टार्टअप्स, दोनों ने ग्रांट मनी रेज किया फ्रॉम यूएसएड एसएमईए. ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि, और हमारे लिए पर्सनली, कि इस शो में जो कि एक बिज़नेस का शो था, वहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट्स, एंजल इन्वेस्टर्स, ग्रांट डिसेमिनेटिंग बॉडीज़, सारे के सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जाए. हमारे शो को देखते रहें, फीडबैक देते रहें, इट मैटर्स अ लॉट. वील कीप इम्प्रूविंग इंशाल्लाह. अपना ख्याल रखें. And keep watching Sprite Presents Idea Croron Ka Season 3, Pakistan Zindabad.